हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे ही होंगे। सो गाइस, मैं कर रही हूँ बाहर वॉक और नायरा को मैं सुला दिया है। नायरा नहाकर सो गई है। हम मॉर्निंग में भी थोड़ा बाहर आए थे, अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है। एक्चुअली मैंने अपना लंच वगैरह सब बना लिया है। अभी मेरे हस्बैंड थोड़ा बिजी है काम में, तो इसलिए मैंने अभी लंच किया नहीं है। जैसे वो फ्री होता है तो हम दोनों लंच करेंगे। अभी नायरा भी इतने उठ जाएगी, फिर उसको भी हम लंच कराएंगे। आजकल मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो जाती हूँ क्योंकि हमारा टाइम चेंज हो गया है मार्च में, क्योंकि मार्च में ईस्टर्न टाइम हो जाता है और ईस्टर्न टाइम में रात के 2 बजते ही अचानक ही रात के 3 बज जाते हैं। 1 घंटा वॉच आगे हो जाती है। और ऐसे ही नवंबर में डेलाइट सेविंग टाइम होता है, उसमें रात के 2 बजते ही अचानक ही रात का 1 बज जाता है, 1 घंटा पीछे पहुंच हो जाती है। नवंबर का टाइम डेलाइट सेविंग टाइम होता है और मार्च का टाइम ईस्टर्न टाइम हो जाता है। यहाँ पर ये 2 टाइम चेंज होता है। नवंबर से मार्च तक डेलाइट टाइम चलता है और मार्च से नवंबर तक ईस्टर्न टाइम चलता है। तो इसमें थोड़ा सा मेरा आगे पीछे बैलेंस भी हो जाता है टाइम की वजह से। थोड़ा एक होता ही है सबका, 1 घंटा आगे पीछे हो तो अपने काम में भी थोड़ा रूटीन चेंज हो ही जाता है। इसी वजह से आजकल मेरा काम थोड़ा जल्दी फिनिश हो जाता है। ये था टाइम चेंजिंग की बातें। और अभी बस थोड़ी देर में हम लंच करेंगे और नायरा जैसी उठती है फिर मैं नायरा से मिलाती हूँ। आजकल नायरा से भी आप मॉर्निंग में नहीं मिल पाते हो क्योंकि मैं अपने काम में बिजी हो जाती हूँ। कोई नहीं, अभी मैं थोड़ी वॉक करती हूँ। मौसम आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं बहुत देर से घूम रही हूँ बाहर। तो मैं जाती हूँ अंदर और उसके बाद नायरा से मिलते हैं। मेरे हस्बैंड हो गए फ्री, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अब लंच किया जाए, क्योंकि मेरे को लग रही थी बहुत तेज भूख, अकेले खाने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं इनके साथ ही खाती हूँ। और इतने में नायरा भी उठ जाती है, तो मैं इनका वेट करती रहती हूँ कि, क्योंकि उसी टाइम इनका ऑफिस स्टार्ट होता है, 2:45 के करीब, 2:45 इनका ऑफिस स्टार्ट हो जाता है वर्क फ्रॉम होम, तो इसलिए मैं वेट करती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ रायता। आप सोच रहे हो रायता ग्लास में क्यों बना रही है? एक्चुअली हमें थोड़ा सा पतला रायता पसंद है, तो मैं इसलिए ग्लास में ही घोल देती हूँ इस। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा चाट मसाला और जीरा पाउडर, तो मेरा ये रायता रेडी हो जाएगा। मैं कोई रेसिपी नहीं दिखा रही, मैं बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। मेरे को पसंद है, आप लोग ट्राई कर सकते हो कि आप लोग भी बना सकते हो। इसमें डालते हैं दही, और दही 2 मतलब जितनी आपको चाहिए ठीक या थिन। दही के अंदर नमक और आमचूर पाउडर, हल्की सी मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और चाट मसाला, यस, इनको मिलाकर इसके अंदर पानी डाल दो। मैंने एक्चुअली इसके अंदर आधा गिलास दही डाला था और इतना पानी डाल दिया है। तो ये बन गया मेरा सन्नाटा वाला रायता। ये भंडार, मुझे याद है मैं हरिद्वार में हम गए थे, बचपन की बात बता रही हूँ मैं, हरिद्वार गए थे और हरिद्वार में हमने भंडारा खा रहे थे, तो भंडारे में हमें ये एक ऐसे रायता टाइप दिया, तो मुझे समझ नहीं आया कि इतना पतला छाज है क्या है, तो वहाँ के लोग उसको सन्नाटा बोल रहे थे। मुझे बड़ा फनी सा नाम लगा था, बट बाद में पता चला हाँ एक होता है दही से रिलेटेड, सन्नाटा बोलते हैं उसको। तो ये इसलिए जब भी मैं इसको बनाती हूँ तो मैं इसको रायता कम, इसको सन्नाटा ज़्यादा बोलती हूँ, क्योंकि लिक्विड वाला होता है। पहले मैं नहीं पीती थी ऐसे, ये मेरे हस्बैंड बनवाने लगे कि मेरे को ऐसे ही चाहिए, तो मैं इनके लिए बनाती, तो मुझे भी पसंद आने लगा सन्नाटा। अब बन गया है मेरा ये सन्नाटा, मेरा सन्नाटा रेडी हो गया है। अब मैं बनाती हूँ अपने पराठे। आज मैंने बनाई है मिक्स वेज में मैंने डाला था आलू गोभी और बीन्स एंड मटर और कॉर्न, ये मिक्स करके मैंने आज अपनी ये सब्जी बनाई है मिक्स वेज। तो अभी इसके साथ मेरे हस्बैंड को पसंद है पराठे, तो बनाएंगे पराठे और पराठों के साथ लंच करते हैं अपने सन्नाटे के साथ। मैं बनाती हूँ अपना लंच, उसके बाद आपसे वार्तालाप करती हूँ।
अरे क्या कर रही हो? अरे डोन वो ही मैं आपसे पूछू, व्हाट आर यू डूइंग? नेहरू से मैं पूछ रही हूँ, आप खुद क्वेश्चन कर रही हो उसे। ये उठी है और उठने के बाद यहाँ पर ऐसे हरकतें करने में लग रही है। हाउ डूइंग हाउ डूइंग हाउ डूइंग है गंदू। उठकर कोई अच्छी करता है क्या? उठ के तो मम्मा पापा का प्यार करते हैं। जो लड़के प्यारी नहीं करती ये तो खेलती है। नायनू अब उठ गई है, अब मस्ती करेगी, लंच करेगी, है ना नायनू? हमारा लंच हो गया है, नायरा का अब लंच कराते हैं। नायरू क्या खाना है भाई? खाना नो खाना? अच्छा बताऊ अभी नो खाना क्यों? नो खाना बताऊ अभी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर नायरू क्या खाएगा? क्या खाएगा नायरू? क्या ओटी? ओटी नानी को ओटी खानी है क्या? मैं इसको खाना बनाती हूँ और इसको खाना खिलाती हूँ। किचन नायरा का भी लंच हो गया है, हमारा भी लंच हो गया है और अब मैं हो गई हूँ फ्री। नायरा अपनी चेयर के पेचेस काउंट करती रहती है, 1 2 1 2 करके। उसका रोज का काम है अपनी चेयर को लेकर बैठना और कुछ ना कुछ उसके साथ करना। और आजकल तो मैडम क्या करती है, अपने टॉयज को फेंक फेंक के देखती है कि ये टूट क्यों नहीं रहा और ये मतलब बना कैसे है। इसको आजकल पता नहीं कहाँ से सीख रही है कि टॉय फेंको और उसके बाद उसको देखो कि ये टूटा क्यों नहीं। सो ये इसका रोज का काम हो रहा है। देखो चेयर से बातें कर रही है। नायरू कर रही है चेयर से बातें। आवाजें आपको आ रही होगी, वो लगी हुई है अपनी बातें करने में। मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। नायरा ये चेयर क्या कह रही है आपको? यस व्हाट आर यू डूइंग? क्या काउंट कर रहे हो आप? हैं एप्पल एंड बनाना। पूरा दिन फर्श पे लेटी रहती है लड़की, आजकल चींटियां ढूंढती रहती है। बारिश हुई थी तो पीछे तो इक्का दुक्का चींटी दिख जाती है ऐसे। पूरा दिन भर वह चींटी ढूंढती रहेगी, बोलेगी चींटी अपने हाउस जाओ। कभी कभी तो मुझे हंसी आती है, उनसे बात करेगी बोलेगी चींटी जाओ अपने हाउस जाओ। चींटी मिल गई नैनू को। आवाज मार चींटी। नायरा अपनी चींटी ढूंढने में व्यस्त है। सोच रही हूँ क्यों ना मैं कोई अपना सीरियल नहीं सॉरी रियलिटी शो का एपिसोड ही देख लूं, क्योंकि अभी मैं थोड़ी फ्री हूँ और इसका देखने का मन नहीं हो रहा टीवी। तो मैं अपना एंजॉय करती हूँ अपना कुछ रियलिटी शोज। सो थोड़ी देर में मैं जाऊंगी अपना डिनर बनाने और डिनर बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। डिनर करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हमारा डिनर हो गया है, नायरा ने भी अपना डिनर कर लिया है और नायरा कर रही है इस टाइम मस्ती नीचे सोफे पे लेटकर। तो इसी के साथ मैं आपको कहती हूँ गुड नाइट। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। आपको मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।